हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग ई सेवा और आईएमई पे यूज कर कर के थक गए हैं तो फिर से एक मोबाइल वॉलेट लॉन्च हो गया है। दोस्तों, वो मोबाइल वॉलेट कौन सा है, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। दिखाने से पहले दोस्तों, आप लोग को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई नई वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर सर्च कर लीजिए CGPay। और दोस्तों, इसमें रजिस्टर कैसे करते हैं, तो चलिए मैं फटाफट आप लोग को करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा आप लोग को CGPay। तो दोस्तों, चलिए मैं गेट स्टार्ट में क्लिक कर देता हूँ। गेट स्टार्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोग को, एक साइनिंग टू CGPay और यहाँ पर एक क्रिएट न्यू अकाउंट। अगर आप लोग पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पर साइनिंग टू CGPay में क्लिक करेंगे, और आप लोग अकाउंट नहीं बनाया है, नया अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम डाल दीजिए, फुल नाम। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर दूसरे नंबर पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर तीसरे नंबर पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। वो मोबाइल नंबर नेपाल के मोबाइल नंबर होना चाहिए दोस्तों, तभी इस वॉलेट में आप लोग अकाउंट बना पाओगे। तो चलिए फटाफट नेपाल के नंबर डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे। मेल में क्लिक कर देता हूँ और डन में क्लिक कर देता हूँ। सारा कुछ फिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर साइन अप में क्लिक कर दीजिए। साइन अप में क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपके मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का OTP कोड आएगा, वो OTP कोड यहाँ पर डाल दीजिए। तो दोस्तों, चलिए OTP कोड आ गया, फटाफट मैं डाल देता हूँ। OTP कोड डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक कर देंगे। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं OTP वेरीफाइड। अब दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पर CGPay का आप लोग पासवर्ड बना लीजिए। तो चलिए मैं फटाफट बना लेता हूँ। ऊपर जो पासवर्ड डाला है, नीचे भी सेम पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर क्रिएट में क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर क्रिएट न्यू पिन बोला है, CGPay का 6 डिजिट का पासवर्ड डाल दीजिए। ऊपर जो पिन डाला है, नीचे भी वही पिन डाल देंगे कंफर्म पिन में। पिन डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर क्रिएट में क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है CGPay में। तो दोस्तों, इस तरह से CGPay बहुत ही आसान तरीका से क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग CGPay में KYC वेरीफाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।